Hello everyone, so today we'll be discussing question number 1590 of LEET code, which is make sum divisible by p. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि वी हैव टू रिमूव द स्मॉलेस्ट सब एरे. ये नम्स एरे हमको गिवन है. सो वी हैव टू रिमूव द स्मॉलेस्ट सब एरे सच दैट द सम ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स इज डिविजिबल बाय p. मतलब हमको एक छोटे से छोटा सब एरे, जितना छोटा पॉसिबल है, वो इस एरे से हटाना है. तो उससे जो बचा हुआ एरे मिलेगा हमको, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे इस सब एरे के, उनका जो सम है वो पी से डिविजिबल हो. यहाँ पे पी है जो 9 गिवन है, ठीक है. दो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब एरे इस गिवन एरे में कौन सा है, वो ये है. कैसे, इसको मैं हटा दूंगा ना, तो बचा हुआ सब एरे क्या होगा, बचा हुआ एरे कैसा दिखेगा, 6 और 3. इन दोनों का सम करो तो 9 divisible by 9. और कोई पॉसिबल वे नहीं है, इससे छोटा कोई सा सब एरे नहीं है, समझे ना. तो और भी उन्होंने क्या बोल रखा है कि रिटर्न द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट सब एरे दैट यू नीड टू रिमूव और -1 इफ इट्स नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा कोई सब एरे है ही नहीं, है ना, अगर ऐसा कोई सब एरे है ही नहीं तो आपको -1 रिटर्न करना है. और क्या हो सकता है कि अगर पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं जो पूरे एरे के, इन सब का जो सम है वो पी से डिविजिबल होए, तो क्या रिटर्न करना है, 0. क्योंकि 0 मिनिमम से बोला गया ना, मिनिमम सब एरे, तो 0 साइज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे डिविजिबल है पी से, ठीक है. तो अगर इम्पॉसिबल है तो -1 रिटर्न कर दो, बाकी नहीं तो आपको कैलकुलेट तो करना ही है. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीफिक्स सम प्लेलिस्ट का पार्ट है एक. तो आई सजेस्ट आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. और ये मैं थोड़ा स्किप करूँगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर रखा है इस प्लेलिस्ट की, है ना. तो ये मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, क्योंकि ये अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देख रखे हैं इस प्लेलिस्ट के, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली. और इसके प्रीफिक्स सम के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ईजीली समझ में आने लगेंगे, ठीक है. तो इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया था, जो पिछले जैसे क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, हम एक एरे ले रहे हैं और एक प्रीफिक्स सम एरे ले रहे हैं. एरे हमारा n1, n2, n3, n4, n5 है. प्रीफिक्स सम इसका n1 के पहले का 0 है, n1, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे करके आ रहा है. ये हमारा pi है फॉर ith एलिमेंट के लिए, और ये हमारा pj है, ठीक है. पी जे यहाँ तक का सब एरे का सम है और पी आई यहाँ तक का. तो पी जे माइनस पी आई क्या देता है मेरे को, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, पी जे माइनस पी आई यही मेन इक्वेशन है, इसी के साथ खेलना है पूरा हमको. एक कंटिन्यूस सम देगा हर बार की तरह, ठीक है. और ये सब एरे सम से ही खेलना है हमको. अब आपने जैसे ही इस इक्वेशन से आपने एक डिडक्शन निकाल लिया ना, कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो इसी इक्वेशन से निकलेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे वो चीज़ बहुत सिंपल है, है ना. यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि जो बचा हुआ एरे है, ये एक सब एरे है, ठीक है. तो मान के चलो ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है. ये आयत पोजिशन है और ये जेथ पोजिशन है, ठीक है. ये एक सब एरे है, ठीक है. ये जो सब एरे का सम है ना, वो पी जे माइनस पी आई है, गॉट इट. और ये टोटल सम है एक, ये एक टोटल सम है. मैं क्या चाहता हूँ कि टोटल सम माइनस पी जे माइनस पी आई ये जो चीज़ है, ये पी से डिविजिबल हो, समझे ना. इसको मैं स्मॉल पी बोल देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो आपको, इस वाले पी और इस पी में, ठीक है. ये जो गिवन पी से डिविजिबल हो, ये मैं चाहता हूँ, समझ गया. बचा हुआ एरे है जो, देखो ये सब एरे तो हमारे पास है पी जे माइनस पी आई, हमको इस एरे से डिविजिबिलिटी का मतलब नहीं, हमको बचे हुए एरे से डिविजिबिलिटी का मतलब है, जो इसमें बोला गया है. मैं ये चाहता हूँ ना, टोटल सम माइनस इस सब एरे का सम कर दूँ, तो जो बचा हुआ सम है वो पी से डिविजिबल होना चाहिए,
दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये मिल गई मेरे को इक्वेशन, देख रहे हो गया सॉल्व क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गई, अब आपको बस वो कोड करना है और छोटी मोटी एक दो चीज़ें देखना है जो आपको आगे प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। बट आपका जो कोर क्वेश्चन है ना, आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया कि यही इक्वेशन बनानी थी आपको। टोटल सम माइनस दिस सब एरे का सम शुड बी डिविजिबल बाय पी, मतलब इसका मॉड ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो कुछ चीज़ें जो मैंने बोली जो ध्यान देना है वो डिस्कस करते हैं, वो क्या है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ मैं, टोटल सम माइनस पी जे माइनस पी आई, ये पी जे मेरा इटरेटर है, का होल मॉड पी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको पता है ना टोटल सम और ये इन सब का मैं जब खोलूँगा तो ये मॉड पी से होगा, है ना, जो मैंने इक्वेशन डिस्कस कर रखी है, ए प्लस बी मॉड पी इज़ वॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस प्रीफिक्स सम के प्लेलिस्ट के लिए, ए मॉड पी प्लस माइनस बी मॉड पी का होल मॉड पी। तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूँगा तो ये टोटल सम का मॉड होगा, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं टोटल सम का मॉड पहले ही निकाल के रख लूँ अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज मतलब जैसे ही मैं टोटल सम फॉर लूप करके निकालूँगा ना, फॉर लूप से, तभी मैं टोटल सम को मॉड पी ले लूँगा, टोटल सम का मॉड पी ले लूँगा, क्योंकि एट द एंड मॉड पी तो होने ही वाला है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना मेरे एआरआर के, जो एलिमेंट्स है ना वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, ये काफ़ी लार्ज नंबर दे रखा है। वो जो नम्स आई है ना जिसमें आप देखोगे दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10^9, तो अब जब ऐड करोगे ना तो वो वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरफ्लो कंडीशन आ सकती है, ओवरफ्लो कर हमारा कोड फट सकता है। इसलिए एक तो मॉड पी करके रख लूँगा मैं, है ना, तो जब मैं टोटल सम निकालूँगा तभी मॉड पी करके रख लूँगा, तो जो मेरा फाइनल टोटल सम होगा ना वो विल बी, टोटल सम जो होगा जब मैं फॉर लूप करके निकालूँगा दैट विल बी ऐसे ना, मैं पूरे टोटल सम को मॉड पी कर दूंगा तो एक छोटा नंबर आएगा, हर लूप में हर एक आइट्रेशन में उसको मॉड करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही पी जे का भी करूंगा मैं, पी जे मेरा इटरेटर है, पी आई की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पी आई के साथ मैं खेलता ही नहीं हूँ कभी, पी जे के साथ जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है कि जब मैं पी जे को आगे बढ़ाता हूँ, जब मैं प्रीफिक्स सम को आगे बढ़ाता हूँ, ये जब मैं करता हूँ तो मैं मॉड लेके ही आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मैं पूरा का पूरा एलिमेंट जो 23 लेता, मैं पूरा 23 नहीं बढ़ाता था, मैं 23 मॉड जो भी नंबर है जैसे मॉड 5 है, 23 मॉड 5 विच इज़ 3, मैं 3 को आगे बढ़ाता था। वो मैं इसलिए करता था ना क्योंकि यहाँ पे मॉड ही होना है वो एट द एंड, क्योंकि 23 मॉड 5 इज इक्वल टू 3 मॉड 5, बात सेम ही है, इसलिए मैं मॉड को आगे बढ़ाता था। अब समझ गए ना, अब ये इस इक्वेशन को खोलते हैं हम, इस इक्वेशन को खोलते हैं हम, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को ओपन करते हैं। अब एक चीज़, टोटल सम मेरे पास है, पीजे मेरा आइटरेटर है, तो ये दो चीज़ें तो हैं मेरे पास। अब इन्हीं दो चीज़ों को मैं पूरा राइट साइड ले जाऊंगा और उनको मैप में ढूंढूंगा, ठीक है। पी आई मेरा मैप में स्टोर होता जाएगा और मैं इन चीज़ों को आगे आगे ले जाके मैप में ढूंढूंगा, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक एंटिटी एक साइड ले लेता हूँ, टोटल सम माइनस पी जे, एक ये आगे एंटिटी और प्लस पी आई एक साइड आ गई, मॉड पी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। इसको पूरा खोलोगे आप, पूरा ओपन करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, पी आई मॉड पी शुड बी इक्वल टू पी जे माइनस टोटल सम
मॉड पी, ठीक है ना, मैं इसको इस साइड ले आया, ओपन बाय ओपन ओपन सब करके, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को चेक करना है, ये क्या पी आई में मॉड पी मेरे को एक नंबर दे रहा है, सपोज एन दे रहा है, और ये जो नंबर है इसका मैं पी से मॉड करूँगा, मेरे को एक नंबर मिलेगा एन, क्या दोनों सेम है, ये मेरे को मैथ में चेक करना है। टोटल सम है मेरे पास पी जे, मेरे पास आइटरेटर है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है यहाँ पे। व्हाट इफ दिस इज नेगेटिव, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, है ना। वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कर रखा है इसमें, वहाँ पे क्या पी जे बस था, पी जे मॉड के और पी आई मॉड के कोई चेक कर रहा था मैं पिछले क्वेश्चंस में, डिविजिबिलिटी वाले केसेस में। यहाँ पे एक नेगेटिव टोटल सम आ गया है, व्हाट इफ दिस नंबर इज नेगेटिव, है ना। अब ये सोचने वाली बात है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो इसको हैंडल करने का एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनना। क्या तुम ये जानते हो कि पी जे इज लेस देन पी, क्यों? क्योंकि जो पी जे है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये जो ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये मॉड होता जा रहा है पी से, ये मॉड होता जा रहा है पी से, तो ये लेस देन ही पी रहेगा हमेशा। जब जब तुम किसी भी एलिमेंट में रहोगे, ये जो पी जे है ये पी से मॉड होता जा रहा है, है ना, जो चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रखी थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे 23 मॉड्यूलो 5 3 को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये 3 है ना, और यहाँ पे 5 था, 5 से मॉड कर रहा था, 3 इज़ लेस देन 5, तो जब भी तुम मॉड करोगे ना, तो वो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो एक रिमाइंडर होगा, जो इस नंबर का से छोटा ही होगा। तुम किसी भी नंबर से मॉड कर रहे हो ना, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो इससे तो छोटा ही होगा, तो पी जे इज़ लेस देन 5, ठीक है। क्या टोटल सम इज़ ऑल्सो लेस देन 5, सॉरी नॉट 5, इट्स लेस देन पी, हाँ। कैसे? यहाँ पे मैंने जो बात डिस्कस करी थी ना, कि हम हर लूप में, अर्ली स्टेज में, हर लूप में, हर आइट्रेशन में पी से मॉड करते आएंगे, मॉड करते आएंगे, मॉड करते जाएंगे, तो जो टोटल सम रिजल्टिंग होगा ना, वो भी पी से लेस देन होगा, वो भी पी से लेस देन होगा, ठीक है। मान के चलो 3 1 4 2 करके है, और ये मेरा पी है यहाँ पे 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोटल सम निकालता जा रहा हूँ, 3 प्लस 1 4, 4 का मॉड लिया मैंने 5 से, 4 आया, 4 प्लस 4 किया मैंने 8, 8 का मॉड किया 5 से 3 आया, ठीक है, 3 को आगे बढ़ाया, 3 प्लस 2 5, 5 mod 5 इट इज़ 0। देखो पूरा सम 5 से बड़ा है, 3 प्लस 1 4 8 10, लेकिन जो मॉड है 0 वो लेस देन है 5 से, क्योंकि मैं 5 से मॉड ले रहा हूँ ना, जो रिमाइंडर आ रहा है मेरे को, रिमाइंडर तो इससे हमेशा छोटी ही होगी, है ना। तो पी जे लेस देन पी है, टोटल सम लेस देन पी है, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि नेगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है, दिस डिफरेंस विल ऑल्सो बी लेस देन पी, इतना तो मानते हो ना, पी जे छोटा है पी से, टोटल सम भी छोटा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि नेगेटिव है, ये जो मैंने बोला था ना यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो क्या अगर वो नेगेटिव है तो वो भी पी से छोटा ही होगा, तो मैं क्या करूँगा, पी जे माइनस टोटल सम प्लस पी कर दूंगा और होल मॉड ले लूँगा, बस यही करना है मेरे को। अब मेरे को जो चेक करना है ना, ये चेक करना है, पी जे माइनस टोटल सम और प्लस पी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस पी करूँगा ना, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो तुम पी का मल्टीपल ऐड कर सकते हो। इससे क्या इंश्योरिटी मिल रही है कि ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा पी से छोटी ही है, ये लेस देन पी है, तो मैं इसमें पी ऐड कर दूंगा ना, तो ये एक पॉजिटिव एंटिटी बन जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने पी ऐड किया है। अब
इसके सॉल्यूशन देखना लीट कोड में, आप देखोगे जब आप प्लस पी क्यों ऐड कर रखा है तब आपको समझ में आएगा टोटल सम को हम फॉर लूप में हम क्यों मॉड करते जा रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन देखना, लोगों ने समझा नहीं रखा ये, है ना, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस पी क्यों कर रहा हूँ मैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको सीधा आप ड्राई रन करके इसको सीधा कोड करते हैं। ओके ठीक है, तो कोड शुरू करते हैं। मैं इसमें पूरा एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल लेके वो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब यहाँ पे मैंने जो इनिशियलाइज कर रखा है मैप, है ना, इस कोड में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आई विल मेक श्योर, तो आपको एग्ज़ाम्पल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एक मैप इनिशियलाइज़ कर दिया है, अब एम पी ऑफ 0 इक्वल टू -1 ये क्यों किया, यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, है ना, पिछले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी से मतलब था। तो जो यहाँ पे की वैल्यू पेयर है ना मेरा, जो की वैल्यू पेयर है उसमें मैं क्या मतलब सेव करके रखूँगा, इसमें मैं एक चेक सेव करके रखूँगा, वो जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको, है ना, टोटल माइनस टोटल सम प्लस पी जे प्लस पी स्मॉल पी, ये मैं चेक करूँगा, और जो वैल्यू होगी मेरी दैट विल बी माई इंडेक्स। इंडेक्स क्यों, इंडेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है ना साइज ऑफ सब एरे से मतलब है। आप ये देखोगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट सब एरे, स्मॉलेस्ट सब एरे बोल के रखा है, तो वो मेरे को साइज ऑफ सब एरे निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं वैल्यू में इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ। तो जो मेरा प्रीफिक्स सम होता है, जो इनिशियल एलिमेंट होता है उसके पीछे होता है ना जीरो, मतलब उसके पीछे के एलिमेंट्स में कुछ नहीं है, कोई कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका प्रीफिक्स सम जीरो होता है, इसलिए उसकी लोकेशन -1 है, और जो फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन होगी वो हमारी 1 होगी। ठीक है, इसलिए मैं जीरो की लोकेशन को -1 रख रहा हूँ, और मैंने प्रीफिक्स सम इनिशियलाइज कर लिया है, टोटल सम को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया है, और आंसर को नम साइज बोल दिया है। ठीक है, तो टोटल सम निकालते हैं। ठीक है, टोटल सम निकालते हैं, तो फॉर ऑटो वेल इन नम्स क्या करना है मेरे को, टोटल सम इज इक्वल टू टोटल सम प्लस वेल मॉड पी, ये ध्यान दो, ये मैंने यही बोला था, मैं टोटल सम निकालते समय ही मॉड पी कर दूंगा, ये मैं वही कर रहा हूँ। अब मेरे को एक चेक लगाना है यहाँ पे, क्या कि भाई अगर पूरा टोटल सम निकाल लिया और वो जीरो आ गया मॉड करने पे पी के साथ, मतलब पूरा का पूरा जो एरे है ना डेट इज डिविजिबल बाय पी, तो जो मिनिमम साइज सब एरे क्या होगा, जीरो होगा ना, कोई हट कुछ हटाना ही नहीं है हमको, तो इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन रिटर्न जीरो। ठीक है, ये एक हमने चेक लगा दिया। अब अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है, प्रीफिक्स सम निकालना है सबसे पहले। ठीक है, प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं हर बार की तरह, देख रहे हो, तुमको देखा है कितना सिमिलर है बाकी क्वेश्चन से, छोटे मोटे चेंजेस करने हैं बस, और ये लीट कोड का फेमस प्रॉब्लम है ये प्रीफिक्स सम, जो टॉपिक है काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीफिक्स सम तो निकाल लूँगा मैं, और वो आ जाएगा नम्स ऑफ आई, यहाँ भी मॉड पी करूँगा मैं जैसे बोलते आ रहा हूँ जब से। अब मेरा यहाँ पे प्रीफिक्स सम आ गया, अब मेरे को क्या चेक करना है मैप में, मैं उसको वेरिएबल के नाम को ही चेक बोल देता हूँ, है ना, जो मेरे को चेक करना है वो क्या है, पी जे, पी जे क्या है यहाँ पे मेरा, पी जे क्या है यहाँ पे मेरा, वो प्रीफिक्स सम है, जो वेरिएबल है ना यहाँ पे पी जे, वो मेरा प्रीफिक्स सम है हर बार की तरह, और माइनस टोटल सम है प्लस पी, जो मैंने बोला था कि मैं पी ऐड करूँगा, क्यों ऐड करूँगा एक्सप्लेनेशन में देखो, और उसका पूरा पी से मॉड कर दूँगा, क्योंकि ये पी इसलिए ऐड किया था क्योंकि अगर ये सम, ये जो सम है ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए। अब यहाँ पे टोटल सम विल बी लेस देन पी, यू नो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये, क्योंकि ये टोटल सम को मैं हर बार हर आइटरेशन में पी से मॉड करते जा रहा हूँ, तो टोटल सम विल बी लेस देन पी,
प्रीफिक्स सम तो पी से कम होगा ही, उसको भी पी से मॉड करते जा रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, प्रीफिक्स सम माइनस टोटल सम प्लस पी, और ये मैंने मॉड निकाल लिया। अब मेरे को उसको चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये पता है कि ये नेगेटिव हो सकता है, और ये नेगेटिव हो सकता है, बट ये पी से तो छोटा ही होगा, ये जो नेगेटिव नंबर होगा, इसलिए मैंने प्लस पी ऐड कर दिया, जिससे हमें मॉड लेने में दिक्कत ना हो और वो पॉजिटिव नंबर जो चेक है वो मैप में भी अवेलेबल हो, ठीक है। इफ़, अब मैं इसको ढूंढूंगा, एम पी डॉट फाइंड, इस चेक को ढूंढना है मेरे को, इस चेक को ढूंढना है। अब अगर ये मिल गया, अगर ये मिल गया तो क्या करना है, आंसर मेरे को अपडेट करना है, आंसर क्या होगा ये भी देखना है। मिनिमम ऑफ, छोटा सा बैरे चाहिए ना। अब अगर मिला है, अगर मिला है तो ये जो आई है मेरी करंट लोकेशन है माइनस एम पी ऑफ चेक, मिला है तो कोई इंडेक्स मिली होगी ना, तो ये इंडेक्स एम पी ऑफ चेक में स्टोर होगी, तो वहां से आई तक का जो डिस्टेंस है वो सब एरे का हो जाएगा, तो वो छोटे से छोटा चाहिए, इसलिए आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस एम पी ऑफ चेक। और यहाँ पे मैं एम पी ऑफ प्रीफिक्स सम को अपडेट कर दूंगा, किससे, आई से। वो बोलता ना कि हर आइट्रेशन के बाद अगर मिल गया है, जो भी है, अपडेट तो करना ही है हमको मैप को, है ना। इफ, और एक चीज़ अब रिटर्न करते समय एक चेक और लगाना है, इफ आंसर इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज रिटर्न -1, अगर भाई अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दो, या फिर आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट केस पे चला के देखते हैं, हमारे पास हो गए, उसको सबमिट करके देखते हैं, हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो।